पहले केएल राहुल और कैल मेयर्स, उसके बाद आयुष बोनी और मार्कस स्टोइनिस के तूफान में उड़ा पंजाब किंग्स। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने हवा में ही उड़ा दिया है और आज विश्व रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा, जो कि आईपीएल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है रॉयल चैलेंज बेंगलोर के नाम, जो कि 263 रन बनाया था पुणे वॉरियर इंडिया के खिलाफ 2011 में, जिसमें क्रिस गेल का 176 यानी कि 176 रनों का पारी शामिल था। दोस्तों आपको बता दें कि आज 263 रन का रिकॉर्ड टूटते टूटते बच गया, वो ऐसे दोस्तों कि आज मात्र 6 रन और चाहिए था वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने महज 257 रन ही बना सकी, जो कि 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर की समाप्ति के बाद 258 रनों का लक्ष्य दिया पंजाब की टीम को, जिसमें कि 257 रन लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने बनाए थे। आपको बता दें दोस्तों कि लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से शानदार बल्लेबाजी हुआ, पहले केएल राहुल और कैल मेयर्स ने शानदार बल्लेबाजी किया, वहीं फिर बाद में मार्कस स्टोइनिस और आयुष बोनी ने टीम को नेस्तनाबूद कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल तो सस्ते में ही निपट गए, लेकिन उसके बाद कैल मेयर्स का तूफान शुरू हुआ और एक तरफ से चौके छक्के चढ़ते रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी केएल राहुल को बढ़िया बेहतरीन कप्तान मानते हैं और कैल मेयर्स को कैरेबियन खिलाड़ी को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं, पंजाब किंग्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ और लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल और कैल मेयर्स। के पहले ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट का टीम का रन 2 रन था बिना किसी नुकसान के। एक ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट का 2 रन था और उसको देखते हुए लग रहा था कि पंजाब की टीम कहीं ना कहीं टॉस जीत करके बॉलिंग का फैसला जो किया था बिल्कुल सही साबित हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगले ही ओवर में कैल मेयर्स ने 2 छक्के जड़ के पूरा निस्तो नाबूद ही कर दिया, पंजाब का मनसूबे पे पानी फेरना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते कैल मेयर्स ने लगातार 4 छक्के जड़ के 50 रन 20 गेंदों में 50 रन ठोक दिए। उसके बाद आए मार्कस स्टोइनिस भी तूफानी पारी खेले और आते ही 2 छक्के जड़ दिए और इस तरह से मार्कस स्टोइनिस आयुष बोनी ने मिलकर के पूरे पंजाब को निस्तो नाबूद करने में तुल गए और मार्कस स्टोइनिस और आयुष बोनी लगातार प्रहार कर रहे थे पंजाब की टीम को और अर्शदीप सिंह कहीं ना कहीं अपना बॉलिंग ले भी नहीं दिखा रहे थे। अर्शदीप सिंह को इतने मार पड़े कि 4 ओवर में 54 रन ठोक डाले। आपको बता दें दोस्तों कि जो भी बल्लेबाज आ रहा था लखनऊ की तरफ से वो सारे के सारे धो रहे थे, चाहे वो निकोलस पुरन हो, चाहे आयुष बोनी हो, चाहे मार्कस स्टोइनिस हो, चाहे कैल मेयर्स हो, कोई भी हो, कोई भी बल्लेबाज आता था धुनाई शुरू कर देता था। आपको बता दें दोस्तों कि मार्कस स्टोइनिस आउट होने से पहले 65 रन बना दिए थे। आपको बता दें दोस्तों कि 239 के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस आउट हुए थे। आप तब तक मार्कस स्टोइनिस पंजाब को बहुत ही बड़ा विशाल लक्ष्य किया और अग्रसर कर दिया था, पंजाब को इस रन को बनाना मुश्किल लग रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि निकोलस पुरन भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए निस्तो नाबूद कर दिया, महज 17 गेंदों में निकोलस पुरन ने 44 रन ठोक डाले थे, जिसमें कि 5 छक्के भी शामिल थे। आपको बता दें दोस्तों कि निकोलस पुरन भी तूफानी बल्लेबाज किया था, जिसमें आयुष बोनी के साथ क्या हुआ पार्टनरशिप बेहतरीन रहा था। उसके बाद दीपक हुड्डा है और दीपक हुड्डा पहले ही गेंद पे चौका लगा दिया। आपको बता दें दोस्तों कि दीपक हुड्डा उस लय में नहीं दिख रही इस आईपीएल में, फिर भी दीपक हुड्डा ने लगातार 1, 2, 3, 4, 3 चौके जड़ दिए। आपको बता दें दोस्तों कुणाल पांड्या जो आया, कुणाल पांड्या पहले ही बॉल पे चौके से स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों पंजाब को टारगेट मिला 257 रनों का, 257 रन बनाए लखनऊ सुपर जायंट ने 20 ओवर में 5 विकेट नुकसान पे। पंजाब को टारगेट दिया 258 रनों का और 258 रनों का लक्ष्य का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम बहुत निराशजनक परफॉर्मेंस की और पहले ही ओवर में 4थी गेंद पे शिखर धवन का विकेट गंवा दिया। कप्तान शिखर धवन का विकेट गंवाते ही पंजाब का टीम को बड़ा झटका लग चुका था और कहीं ना कहीं मनोबल टूट चुका था कि पंजाब का टीम यहीं से हार के और अग्रसर हो रहा है। फिर परमसिमरन सिंह के साथ बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अर्थवत तायदे और अर्थवत तायदे 24 गेंदों में 50 रन ठोक डाले। उसका साथ देने के लिए आए सिकंदर रजा, सिकंदर रजा भी बढ़िया बल्लेबाजी किया। दोस्तों आपको बता दें कि 20 गेंदों में 30 रन बना लिए थे, वहीं 10.5 ओवर में 100 रन पर 2 विकेट पंजाब का गिर चुका था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज पंजाब भी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन दोस्तों लगातार अंतराल पर पंजाब का विकेट गिरता रहा और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पंजाब कहीं ना कहीं 100-125 रन से हार जाएगा। लेकिन पंजाब की टीम ने लगातार फाइट किया और कुछ बेहतरीन पारियों की वजह से, जैसे कि सिकंदर रजा का पारी या कि फिर अर्थवत तायदे का पारी, ये दोनों का इनिंग से बढ़िया सपोर्ट मिला पंजाब को और फिर पंजाब की टीम लक्ष्य की ओर जा सका था और
200 रन बनाने में कामयाब रहा। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच को लखनऊ सुपर जायंट ने शानदार मुकाबले में जीत हासिल किया है और इस जीत हासिल करते के साथ लखनऊ सुपर जायंट दूसरे नंबर की टीम बन गई है। लखनऊ सुपर जायंट ने इस मैच को 56 रनों से जीत लिया है। और इसके साथ ही आप लोग को बता दें दोस्तों कि इसमें आयुष बोधोनी से लेकर के चाहे कोई भी हो, रवि बिश्नोई, कोई भी हो, सारे खिलाड़ी चमके और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट की टीम दूसरे नंबर की टीम बन गई है। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।